मंगलो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक मैं थोड़ी सी ज़्यादा नहीं गहरी सी एक थ्योरी आपको बता रहा हूँ। कभी भी जीवन में आप कहते गुमान गुरूर घमंड मत करना अपने पर कि मैं देखो कितना पढ़ लिख के बड़ा बन गया, धनवान पदवान बन गया, बड़ा व्यापारी बन गया, विदेश बस गया, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गया, जो भी कुछ वगैरह, ठीक है आप मतलब सेलिब्रिटी बन गए, जो भी कुछ पदवान धनवान बन गए। भावना मेरी यहाँ पर यह है, ये सब आपके पूर्व जन्म नियोजित होता है। आप माने ना माने, आप इसको चलो दूसरे ढंग से भी ले लो, प्रकृति बोली जी, भगवान जी बोली जी, भगवान जी वो प्रकृति हमारी नियति को नियत कर देती, फिक्स कर देती है। और हम पैदा होने के बाद जिस ढंग से हमारा क्या कहते हैं बड़े होते हैं, हमारे मन को उसी पुरुषार्थ में लगा देती है जिस तरफ वो उसने नियति सेट करी होती है, यूँ को पूर्व जन्म के हिसाब से, ठीक है ना। कुल मिला के मैंने यही कहा आपको, आप मेरी बात को बहुत थोड़े में से ले लीजिए कि 100 की एक ही बात है कि आपके मतलब भगवान कहिए प्रकृति कहिए एक ही बात है, भगवान जी आपको उसी तरफ लगा देते हैं, आपकी लगन भी उस तरफ लग जाती है, आपका मन भी उस तरफ लग जाता है, आप पूरे जोर शोर से पुरुषार्थ करते हैं, मतलब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना होता है, लेकिन वो सब पहले से ही सेट होता है, ठीक है ना। इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, आपको मालूम नहीं पड़ता और आप अपनी जगह ठीक भी हो। बस मेरा कुल मिला के इतना ही कहना है, आप गर्व कर सकते हैं कि भगवान जी की कृपा से मैं आज इस स्थिति में, बढ़िया स्थिति में पहुंच गया, मैंने ये पढ़ाई कर ली, या मेरा इस जगह कहते हैं एडमिशन हो गया, या क्या कहते हैं मेरा क्या कहते हैं ये मैं पदवान बन गया, पदवाला बन गया, अच्छी पदवाला मिल गया, या जो भी कुछ हो, धनवान व्यापार जो भी कुछ हो, आप गर्व कर सकते हैं वो भी भगवान पर। लेकिन अपने पे घमंड करना, गुमान रखना, अंदर अंदर गुरूर रखना गलत, ये उचित नहीं है। इसीलिए मैंने आपको छोटी सी थ्योरी को हल्के से मैं आपको बताया है, आशा करता हूँ इसको आप गहराई से लेके समझेंगे तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक है थ्योरी। जिस तरह से मैं आपको एक छोटी चीज़ बता देता हूँ, हम पर्दे पर, पर्दे मतलब जो भी हम क्या कहते हैं मतलब आपका कोई भी फिल्म हम जब देखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो उसको बनाने में कितनी मेहनत होती पीछे, ठीक है ना, कितने लोगों का योगदान होता है, वो चाहे लेबर हो, चाहे क्या कहते हैं एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, मतलब हर एक का एक योगदान रहता है, ठीक है ना, कितनी चीज़ें लाई जाती है कर जाती है। तो उसी प्रकार से जितने वैज्ञानिक होते हैं, रिसर्चर होते हैं, आप में से कई बच्चे वैज्ञानिक रिसर्चर्स हैं, तो हर शोध के पीछे क्या कहते हैं कितनी शोधें होती हैं, मतलब एक शोध के पीछे कई शोध हो जाती है छोटी बड़ी, ठीक है। अभी क्या कहते हैं कोई भी आप कहते हैं इंजेक्शन या कहते हैं कोई भी बीमारी की आप चीज़ निकालते तो एक बार में या एक महीने में थोड़ी होता है, वो नहीं, बहुत लंबा समय लगता है, बार बार शोध, बार बार रिसर्च, बार बार, तो इस हिसाब से। तो यही चीज़ ये है, हमें तो बस खाली इतना मालूम होता हमारे लिए तो इंजेक्शन आ गया, दवाई आ गया, जो भी कुछ हो, तो बस इसी सारांश को लेके आप समझिए कि ये कितनी बड़ी थ्योरी है और आप उसी तरफ प्रदत्त हो जाते हैं। इसीलिए ये भी एक और चीज़ जोड़ लीजिए इसके अंदर कि आपका विवाह किससे होना है, आपके बच्चे कौन से आने हैं, आपके सब सब नियोजित होता है, किस तरह के आपको माँ बाप मिले हैं, कौन से आप मतलब कहने कहते हैं, मतलब एक एक चीज़ यहाँ तक आता है कि अगर सच पूछा जाए आपको जीवन भर किस आस पड़ोस के द्वारा या बार बार भी चेंज होता है तो आपको पड़ोसी कैसा मिल रहा है, आपको मित्र कैसे थे, सब सुनियोजित है प्रकृति का। जिस तरह से पृथ्वी हमें घूमती भी दिखाई नहीं देती है, बताते हैं बहुत स्पीड से घूम रही है, साइंटिस्ट बोलते हैं ना, अपने को नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार से ये भी वही थ्योरी है जो हमें कभी भी नहीं दिखाई देती ना। अगर हम बहुत जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगी, केवल हास्यप्रद लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। मंगल कामने, नमस्कार।